لا إله إلا الله. الشهد أن محمداً رسول الله. الشهد أن محمد رسول الله. شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهدي فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده رسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجلا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله واخر الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد انما يعمر مساجد الله मन आमन मिल वाकम फासा मिनाल अबिल्लामिल्फिर वाहक़त फासादी मेरे दोस्तों माए पिछले जुमा से अल्लाह के रास्ता में खर्च करने से क्या फ़ायदा होता है दुनिया आखिरत में उस बारे में कुछ बोला तो आज और एक फ़ायदा बताएंगे कि अल्लाह के रास्ता में अगर खर्च करेंगे इस बारे में हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम क्या फरमाते देखिए वो बिन आमिर रज फरमाते हैं के रसोल्लाम ने फरमाया इन सदकुआन अहलहाकबूर वही नमाइज्लम तजिल्ली सदाक़ी ही सदक़ल सदका करने वालों से सदक़ा कबर के आग को बुझा देते हैं और मुमिन क्या मत के दिन आपने सदक के तले होंगे तो मेरे दोस्तों सदक के का इतना फ़ायदा है मैं आपके सामने में पेश किया बहुत से कुरान के आयत इस बारे में और बहुत से हदीस हमने पेश किया आपके सामने में इससे पता चलता है अल्लाह के रास्ता में सदक करने से दुनिया और आखिर में उसका बहुत से फायदा है अब हम आपके सामने में कुछ नमूना पेश करेंगे वो नमूना जो दुनिया में ज्यादा कौन सदका करते थे इसमें सबसे अव्वल इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम आता है रसूल सबसे ज्यादा सदका करते थे माए वाके आपके सामने पेश करेंगे ताकि आपको पता चले मदीना में दोपहाड़ के बीच रसोलम के इतना बकरिया बैर बकरिया चल रहे थे कि उस पहाड़ से लेकर इस पहाड़ तक इसके बीच में जो खाली जायगा था रसोलम की बैर बकरियों से वह पूर्ण था बिल्कुल पूर्ण था भरा हुआ था जाएगा तो आप सब सोचिए क्या बैर बकरी होंगे बहुत तो एक आदमी आते हैं एक देहाती आके रसुल्लम को बोलते हैं क्या के सलाम ये जितना बैर बकरिया है आप मुझे दे दीजिए तो हजार फरमाते हैं ए हदीस बयान करते हैं रसुल उस आदमी को तमाम के तमाम भेड़ बकरिया दे दिया था सदका कर दिया था कि ले, जाओ तुम लेके चले जाओ तो आदमी इतना खुश हो गया इतना खुश हो गया सारे के सारे बैर बकरिया कर अपने गांव की तरफ ले गया और अपने गांव में जाके गांव वाले से क्या फरमाते देखिए आए कौम आसली फम्मदन लाता मल्लाफुलफरा आए लोगो इस्लाम कबूल करो क्योंकि मोहम्मद ऐसा एक इंसान है जो ऐतना देते हैं ऐतना देते हैं क्या गरीबी की मोहताजी की फिर फो, की खौफ नहीं करते कि हाँ फकिर हो जाएंगे गरीब हो जाएंगे ऐसा खौफ कभी कभी नहीं करते देखो मुझे कितना दिया है तो ऐसा बात है रसूल इतना ज्यादा ज्यादा सदगा करते थे हमारे रसूल सलाम इतना सदगा करते थे जो बेशुमार वाक़ है हादिस की किताबों में हम क्या बताऊं? तो और हर, हर, एक वाक़ हैब्बा बिन हारिस रन फरमाते हैं क्या हमने बार मदीना में रसोल सलम के पीछे आसर की नमाज पढ़ी तो रसूलुल्लाह अभी सलाम फिरा ही था तो उठ के लोगों की गर्दने फलंग कर आपने आजो बाजु मतहरत में से किसी के घर में घुसा दाखिल हुआ यह देखकर हम सब हैरान हो गए कि इतना जल्दी बजी से सलाम फिरने के बाद ही क्यों ऐसा चला गया तो रसूलम जब वापस आया घर से तो देखा सब आदमी रसोलम की ये करतू से परेशान है, हैरान है महसूस किया फिर क्या फरमाया कि मेरे घर में सोना का एक ढीला पड़ा हुआ था और मैं नहीं चाहता कि ये रात रात में भी मेरे घर में रहे इसलिए मैं अभी जाके हुकुम दिया कि उसको जल्दी सदगा करो जल्द रात होने से पहले सद्दा करो तो ऐसा बात है हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा ऐसे सदगा करते थे तो मेरे दोस्त तक साहब करम की ताल्लुक है वो भी अभी रसुल्लाम के तबाह करते हुए बहुत ज्यादा सदका किया करते थे तो हम शावा में से एक वाक़ पेश करेंगे हर चुनाव उमर बिन खाबरा फरमाते हैं के वसल्लम एक बार हमको हम, हम सबको सदगा करने का हुक्म दिया तो उस दिन इतफ़ाक़ से मेरे घर में माल भी मौजूद था तो मैंने क्या किया मेरे घर में जितना माल थे उसको दो हिस्सा करके एक हिस्सा लेके आया और वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया तो्लम ने फरमाया घर में क्या छोड़ के छोड़ कर आए हो तो मैंने बोला जितना आपके सामने में मौजूद है इतना घर में भी है और मैंने ये दिल, दिल में कहा कि आज आबू बकर से सबकत ले जाने का बेहतरीन मौका है इतना ही में अबू वक्रन भी आ गया और रसोल्लाम के सामने में तमाम माल पेश कर दिया रसोल्लाम फरमाते हैं आपने घर में क्या छोड़ कर आए हो तो हज अब वक़र फरमाते हैं मैं अपना घर में अल्लाह और उसके रसुल को छोड़ कर आई हूँ यानी घर में कुछ भी नहीं है जो थे सब लेके आया हूँ इसका मतलब ये है तो उम्र फरमाते हैं हम कभी भी बकर से आगे नहीं जा सकते तो ये थे अल्लाह की में खर्च करने में साहबा का नमूना आप देखिए हजरत माँ आयशा तुन की एक नमूना देख लीजिए उम्मार का बयान है मायने एक बार माँ आयशा रहा के सामने में एक लाख देरहम पेश किया और वो उस दिन रोजादार थी उसने क्या किया सब लोगों को बांटने लगा एक, एक लाख देरहम बांटते बांटते सब खत्म कर दिया एक देरहम भी बाकी नहीं थी तो मैंने मा बोला मायसा को अरे आप सब दे दिए लोगों को अगर एक दरहम ले, रख लेती तो उससे गोश्त खरीद कर लेते और रोज़ा इफ्तार के टाइम में थोड़ा खाना खा लेते उससे तो बोला हाँ अगर तुम तब तो याद कर देती तो मैं ऐसा ही कर लेता तुम तो, उस वक्त मुझे याद कर क्यों नहीं कर दिए तो मेरे दोस्तों ऐसा बात है ही क़राम अल्लाह के रास्ता ऐसा खरोस करते थे मैंने आपके सामने में दो एक नमूना रखा बस अब हम अल्लाह के रास्ता में खर्च करने के मुख्तिक अकसम बताएंगे। अल्लाह के रास्ता में खर्च करने का एक ये भी है मस्जिद बनाना मस्जिद तमीर कर देना अगर आपने एक मस्जिद बना दिया या मस्जिद बनाने में रुपया पैसा देकर हिस्सा लिया तो ये भी अल्लाह के रास्ता में फौरस करना माना जाएगा और इससे भी आप वो तमाम फायदा हासिल हो सकता है आपको जो मैंने पिछले खुदबा में बताया यानी क्या मत के दिन आपके ऊपर सदका छाए बन जाएंगे और दुनिया में बहुत से परेशानी दूर हो जाएंगे जैसे अल्लाह कुरन में इन मसिद आमनबिल्ला जक़ात बेशक मस्जिद तामिर करना उन आदमी का काम है जो अल्लाह पर आखिरत पर ईमान लाया और नमाज़ कायम किया और ज़क़ात अदा किया और वो अल्लाह के अलावा किसी को डरता नहीं है तो ऐसे लोग हदायत हदायत याफ्तर लोगों में से है देखा अल्लाह क्या फरमाया तो मस्जिद बनाना ये भी बहुत बड़ा नेकी है अगर आप मस्जिद बना देंगे तो ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया आपने तो इससे भी आपको बहुत से फ़ायदे हासिल होगा दुनिया आखिरत में। और इस बारे में हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं। मम बना मसीदा यह तक वबी वजह जो आदमी सिर्फ अल्लाह के लिए मस्जिद बनाते हैं और इससे अल्लाह की रजा चाहते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे आदमी के लिए जन्नत में एक घर बनाएंगे मेरे दोस्तों तो जो करना अल्लाह के लिए करना है ठीक है अगर कोई लोग दिखाने के लिए मुस्जिद बनाए या लोग दिखाने के लिए पैसा दे मुस्जिद में कि लोग देखो देखो मैं कितना दिया उससे एक भी नेकी नहीं मिलेंगे सिर्फ अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए करना होगा तो अभी आपको अल्लाह उसका बदला देंगे क्या जान में आपके लिए घर बनाएंगे यह है एक अल्लाह के रास्ता में खर्च करने का एक फ़ायदा दूसरा है में की नशर आशात इस बारे में एक खादि बताऊ रह से रवायत है कि रसोल फरमाते माता इनका आमुल्हू इलामी सलासिन सदाकत दिन जारिया आओ इ नियंत आओ वाला दिन यादव यानि जब इंसान मर जाते हैं उसके नेकी के तमाम दरवाजा बंद हो जाते हैं मागा तीन रास्ता खोला रहता है तीन रास्ता खुला रहता है आदमी मर जाने के बाद भी उनको नेकिया मिलता रहता है कबर में होते हुए भी वो मर गया कोबर में चला गया फिर भी उनको वो तीन ऐसा रास्ता खोल के गया तो वो क्या मत तक क्या मत तक नहीं जब तक वो तीन रास्ता मान यार रहेंगे खुला रहेंगे तब तक उनमें से एक किया है एक है सत का जारिया उसने सत का जारिया किया है का जारिया से मतलब आपने एक मस्जिद बना दिया उस मस्जिद में आदमी जब तक नमाज पढ़ेंगे आपको लेके मिलता रहेंगे आपने एक मदरसा बना दिया उस मदरसा में जब तक तालब एलम एलम हासिल करते रहेंगे तब तो तक आपको नये मिलते रहेंगे आपने कोई रास्ता के पास एक पानी का ट्यूबवेल बैठा दिया या कुआ खोद दिया आदमी आते हैं जाते उसे पानी पीते हैं तब तो तक नयके मिलेंगे या आपने कोई पेड़ लगा दिया रास्ता के पास आदमी आता है नीचे बैठते हैं साय में बैठते हैं थोड़ा आराम लेते हैं तो आपको नीके मिलेंगे ठीक है दोस्तों या आपने किसी मस्जिद में कुरान वक्फ कर दिया कुरान वक्फ कर दिया जब तक आदमी वो कुरान पढ़ेंगे आपको लेके मिलते रहेंगे या आपने किसी मादरसा में बहुत सी किताब खरीद करके दिया जब तक आद, वो किताब पढ़ते रहेंगे तालब इलम आपको लेके मिलते रहेंगे तो यह है एल एम यानी फ़ायदा मंद एल एम का जो आपने नसर एहसास करते हैं इससे आपको निकिया मिलते रहेंगे तो मेरे दोस्तों तीसरा नंबर है एतिम पर खर्च करना अगर किसी एतिम जिसका माँ नहीं ऐसा बच्चा है माँ नहीं है बाप नहीं मर गया है चाहे आपने रिश्तेदार में हो या और कहीं में हो कि रास्ता में पड़ा हुआ मिला आपको आपने उसको उठा लिया और उसका परेश का जिम्मेदारी ले लिया आपने सर पर उसको किसी मदरसा में दाखला कर दिया या स्कूल में दाखला कर दिया और वो ऐसा समझता है कि ये मेरा बाप है आपने उसको ऐसा मोहब्बत ऐसा बेटा का मोहब्बत दिया उसको या बेटी का मोहब्बत दिया वो आपको बाप बाप समझते हैं और आप उस पर खर्च करते हैं तो ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च माना जाएगा ठीक है तो इस बार में एक हदीस है फरमाते हैं आना ऐसे है, 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 एक साथ में रहेंगे तो देखा कितना बड़ा खुशखबरी है यतिम को पालने वाला आदमी रसोलम के साथ साथ रहेंगे जन्नत में क्या इतना बड़ा खुशखबरी है तो मेरे दोस्तों बहुत से ए टी लाचार बच्चा मिलते हैं अगर आप परवरश नहीं भी कर सकते हैं कम से कम थोड़ा उसको मदद कीजिए पैसा देके रुपया देके तो आप अल्लाह तला को रहम करेंगे और चार नंबर है अल्लाह के रास्ते में जेहाद करने पर खर्च करना जो अल्लाह के रास्ते में जेहाद करते हैं अगर उस पर आप खर्च करेंगे इस बारे में अल्लाह के उस मत है मान जहाज़ा गाजियान सब सबलिल्ला फ़कत गज़ा ओमान खलफा ही बिखारिन फ़कत गज़ा यही जो शौक एक मुजाहिद को माली तौर पर तैयार करके तैयार करने के लिए रवाना कर देते हैं तो ऐसे है जैसे उसने खुद जंग में शरीक हुआ ठीक है और जो आदमी किसी मुजाहिद के घर वालों में रह, रहे और खैर भलाई के साथ उनकी रखवाली करे तो वो भी ऐसे है जैसे उसने खुद जंग में शिरकत किया है तो ऐसा बात है अल्लाह के रास्ता में जो जिहाद करते हैं उसको अगर मदद करेंगे तो अल्लाह ऐसा आपको फजरत देंगे मगर मेरे दोस्तों एक बात ये भी बता दूँ साथ में आज मुख्तल आदमी जिहाद के नाम पर जो दहशत गर्दी करते हैं वो जिहाद नहीं है जिहाद के नाम पर आम इंसान को मारना काटना उनके नुकसान पहुंचाना बम बं, ए बम धमाका करना गाड़ी उड़ा देना बास ओडा देना ये को भी जिहाद नहीं हो सकता जिहाद के बिल्कुल उल्टा है और अल्लाह ताला ऐसे आदमी को बहुत सख्त सजा देंगे जो इस्लाम को बदनाम करते हैं इस्लाम का नाम है सलामती शांति और साहबा कराम और अल्लाह के रसूल सलाम की, की नमूना उनके आखलाक देखकर बहुत से हज़ार-हज़ार इंसान इस्लाम कबूल किया था लेकिन आज कुछ आदमी है जो इस्लाम को बदनाम करते हैं जिहाद के नाम पर खामा का लोगों की गर्दने काट देते हैं जैसे बागदी या है बगदादी है तो ए, ए, उनकी जिहाद को जहाद हम नहीं मानते ऐसा जिहाद नहीं चलेगा ठीक है तो जिहाद जो को अब होगा जब अब मुसलमानों को कोई काफेर काफेर अपना मुल्क से हटने की कोशिश करते हैं उनकी जान माल की जान माल बर्बाद करने की कोशिश करते हैं जैसे म्यांमार में मुसलमानों को उधर से खेद रहा है उनके घर आग से जला रहा है तो वहाँ जिहाद हो सकता है लेकिन हम हुक्म नहीं दे सकते इसका फैसला कौन करेंगे जो बैनवा कौमी है मुस्लिम ममालिक है और लीडर सब मिल के जो फैसला करेंगे वही होगा हम आम आदमी उसमें कुछ नहीं करेंगे दखल अंदाजी नहीं करेंगे हम आम आदमी उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे बल्कि जो मुस्लिम लीडर है दुनिया में सब मिल के जो फैसला लेंगे वही होगा ठीक है मेरे दोस्तों तो ये बात है और फोकरा और मिसकिन को खाना खिलाना भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का खर्च करने में शुमार किया जाएगा इस बारे में अल्लाह तौरत है वहत इमोन तो आमाबी मिसकी इन वैत ईमान वसीरा यानी खुद खाने खाने के मोहब्बत के बावजूद वह किसको मिस्किन को यतीम को और क़ायदी को खाना खिलाते हैं यह एक सहाबा के बारे में नाजिल हुआ था जो खुद घर में खाना नहीं है सब भूखा है घर में एक आदमी को लेके आते हैं एक मेहमान लेके आते हैं आके बोलते हैं घर में कुछ खाना है बोलता है कुछ नहीं है थोड़ा सा इतना खाना है वही पेश कर दो उसके सामने में, खाना पेश कर दिया और बोल दिया इसको बाती को ठीक करने की बहाना में इसको बुझा देना और हम ऐसा करेंगे खाने की या करेंगे जैसे खाना खाने के आवाज़ करते हो ऐसा आवाज़ करेंगे हम लोग वो समझेंगे हम भी खाते हैं और वो खा लेगा ऐसा ही किया था बातें बुझा दिया खाना जो पेश किया उसके सामने में वो मेहमान खा रहा है और सा, साथ साथ ये सा, भी अपने मुँह से, मुँ, मुँ से आवाज़ निकल रहा है खाने का यानी चाबा रहा है मुँह से हालांकि खाता नहीं कुछ भी तो अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद आ गया तो कुरान के आयत नाजिल कर दिया देखा ए, खुद खाने का मोहब्बत है कि मैं खाऊं लेकिन फिर भी क्या किया खुद नहीं खाया वो खाना किसी दूसरे को यतीम को कैदी को, आ, को, दी को या और मिश्र को खिला दिया तो इसलिए ऐसा काम अगर करेंगे ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के खर्च करने में आता है मेरे दोस्तों इसके अलावा और बीवादान और मोहताजों को मदद करने वाला और उन पर खर्च करने वाला भी ऐसे है जैसे अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला हो कोई कोई बेवा है बेवा औरत है जिसका शोहर मर गया यह तलाक दे दिया और ऐसा औरत ज्यादा दुनिया में ज्यादा इंसान की मदद की जरूरत होते हैं उनको क्योंकि उसको क्यों ही नहीं देखता बहुत से ऐसे औरत मिलेंगे आपको शामी आपने शोहर मर उसका शोहर मर गया लेकिन माँ बाप भी नहीं है गरीब भाई कोई उसको देखता नहीं है का किसी के सामने हाथ भी फैलाता नहीं है तो आप उनका आराम देख लो देखने के बाद उसको क्या करो खर्च करो उसके ऊपर खर्च करो और बहुत से मोहताज आदमी है मोहताज यानी ऐसा आदमी मिलेंगे आपको साठ पैंसठ साल के आदमी उसका बेटा बेटा सब कुछ है कोई उसको खिलाता नहीं पिलाता नहीं है और रोज़ी का कोई जरिया भी नहीं है कुछ नहीं है तो ऐसा आदमी के ऊपर अगर खर्च करेंगे वो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में शामिल होगा तो मेरे दोस्तों इस बारे में अल्लाह तो फरमाते फरमाते कल फी कल मुजाहिद नहरुम बुखारी हदीस तुम तो बार छ नंबर हदीस अल्लाह क्या फरमाता है बीवागान और मिसकिनों पर खर्च करने वाला आदमी हजर शो आपके ऐसे है जैसे अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला या दिन को रोजा रखने वाला और रात को तमाम रात नमाज पढ़ने वाला ठीक है अगर विवाह औरतों पर और मोहताजों पर खौरस करने वाला कैसा है उस मुजाहिद की तरह है जो अल्लाह के रास्ते में जहद करते हैं या उस आदमी की तरह है जो आदमी दिन में रोजा रखते हैं और रात में तमाम रात क्या करते हैं नमाज पढ़ते हैं ऐसा नेकी की मिलेंगे आपको अगर इन दो चीज़ों दो आदमी पर खर्च करेंगे एक विवाह यानी जिसका शोहर मर गया या तलाक दे दिया और दूसरा वो आदमी वो मोहताज पर खर्च करे करे जो मोहताज आदमी है जिसका दुनिया में रोजी रु, रु, का जरिया नहीं है और बेकार है बिल्कुल ऐसा تصبحوا على خير يا مستر دوست بارك الله و بكل و ونياكم بذكر الحكيم انه تعالى جود كريم مالك البر الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه

तो आपके की बर्बाद हो जाएगा एक भी नहीं मिलेंगे उल्टा आपको जहानना में जाना पड़ेगा अगर दो कम करेंगे उनमें से एक है रियाकारी रिया करना यानी लोगों को दिखाने के लिए सदा करना बहुत से आदमी ऐसा मिलेंगे कि लोगों को दिखाने के लिए सदा करते हैं उनके अंदर एक नहीं होता है अगर ऐसा करेंगे तो एक भी के लिए मिलेंगे बोल के आपको जहन्नम में जाना पड़ेंगे इस बारे में मैं एक हदीस पेश करता हूँ आपके सामने में दोस्तों दो ने फरमाते हैं कि मौत के दिन सबसे पहले एक आलम को बुलाया जाएगा और उसको बोलेंगे क्या मैंने तुमको दुनिया में बहुत से नियामत दिया तुम इन नियामतों का क्या शुक्र अदा क्या बताओ वो बोलेंगे अः अल्लाह के रसूल अल्लाह तला आपने मुझे जितना कुछ दिया है मैंने क्या किया आपके रास्ते में एलम सीखा आपके एलम सीखने के बाद लोगों को यह सिखाया तो अल्लाह फरमाएंगे कि तुम झूठ बोलते हो तुम एलम इसलिए सीखा ताकि लोग तुमको आलम बोले आलम से पुकारे इज्जत दे इसलिए तो तुमको दुनिया में वो इज्जत मिल गया तुम इज्जत मांगा था ना लोगों से मैंने लोगों के दिलों में तुम्हारी इज्जत रख दिया था जो देखते थे वही तुमको इज्जत करते थे तो वो तो मिल गया दुनिया में तो फिर हुक्म दिया जाएगा उसको जानना में फेंको फिर उसको जहाना में फेंक दिया जाएगा मेरे दोस्तों फिर एक मालदार को बुलाया जाएगा और बोलेंगे मैंने दुनिया में तुमको बहुत माल दिया बहुत से नियामत दिया तो तुम मेरा इन नियामतों का क्या कदर किया क्या शुक्रिया अदा किया वो भी एक ही बात बोलेंगे कि तुमने मुझे माल दिया मैंने तुम्हारे रास्ता में बेधड़क खर्च किया है अल्लाह फौर मैं झूठ बोलते हो तुम इसलिए खर्च किया ताकि तुमको सोखी बोला जाए दाता बोला जाए तो लोगों ने तुमको बहुत बोला है दुनिया में वो मिल गया तुमको फिर हुक्म दिया जाएगा उसको भी जहान में फेंको फिर आलिम हो गया फिर एक, एक मुजाहिद को बुलाया जाएगा कि तुमको मैंने इतना बदन दिया ताकत दिया सब कुछ दिया बहुत से नियामत दिया तुमने मेरा नियामत का क्या शिक्र अदा किया तो अब वो बोलेंगे अरे अल्लाह तला मैं आपके रास्ता में जेहाद करते करते शहीद हो गया अल्लाह फर्मेंगे तुम झूठ बोलते हो तुमने इसलिए जिहाद किया ताकि लोग तुमको मुजाहिद बोले बहादुर बोले इसलिए तुमने जहाद किया तो वो दुनिया में हासिल हो गया और तुमको सब तुमको मुजाहिद बोला फिर उसको भी हुक्म दिया जाएगा जहाना में जाओ इसको जहाना में फेंक दिया जाएगा तो मेरे कहने का मतलब यह है आप एक बात यह है आदमी तो सो में नाइन्टी परसेंट आदमी तो खर्च करता नहीं है पैसा अगर हो फिर भी दस परसेंट खर्च करते हैं फिर भी अगर आप में एक क्लास ना हो रिया रियाकारी हो रियाकारी की वजह से सदगा करते हो लोगों को देखाने के लिए सदका करते हो मेरे दोस्त एक भी नैकी नहीं, नहीं मिलेंगे उल्टा आपको जानना में जाना पड़ेगा तो इसलिए क्या करो अखलास लाओ अपने अंदर अखलास जो कुछ करना है अल्लाह के लिए करना है अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है तभी तो आपको क्या मौत के दिन उसका नकिया मिलेंगे और दुनिया में भी दुनिया में भी उसका बहुत से फल मिलेंगे आपको ठीक है तो बस नियत साथ कर लो हम जो कुछ करेंगे अल्लाह के लिए करेंगे अल्लाह को देखने के लिए करेंगे और किसी को देखाने के लिए नहीं ठीक है मेरे दोस्त ठीक तो है माई यहाँ पर ख़त्म करता हूँ الله اكبر الله اكبر الشهد ان لا اله الا الله الشهد ان محمد رسول الله